हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसी मुसाफिर। मैं हूँ सचिन गिडनावर और आज हम जा रहे हैं उदयपुर। सो यहाँ से 5.5 घंटे में हम उदयपुर पहुँचेंगे और वहाँ से 110 किलोमीटर पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट है जहाँ हम एक दिन रहेंगे और फिर 2 दिन हम जाएंगे कुंबलगढ़। तो ये एक शॉर्ट ट्रिप हम करेंगे राजस्थान में और उम्मीद है कल जो कि 23 अप्रैल था आप सब लोगों ने वोट किया है। ये रहा मैंने किया हुआ वोट। Now we've reached Halol and the time is 7:37 and we are heading for Godhra. Reached Udaipur. It took us 6 hours to drive here with a half an hour break. So effectively driving would be around 5.5 hours. From here, Chittorgarh is 120 kilometers and it would take us approximately around 2 hours. यागी किले का सेकंड गेट है, बेरोपुल नाम है सर गेट का। गेट के बाद लेफ्ट साइड में बेरो जी का मंदिर है, ये वाला, तो गेट को बेरोपुल के नाम से जाना जाता है। ये बेरो जी टेम्पल है छोटा सा, गेट को बेरोपुल का नाम दिया गया। और आगे जो इनके सिर कट के दर्द से अलग हो चुके हैं, लेकिन इनका जो दर्द था वो बिगड़ सिर के भी अकबर की सेना से लड़ता था। इस तरीके के मेवाड़ के महान सेनापति थे ये। और किले का 7वां गेट आता है रामपुल गेट, जहाँ पर फत्ता सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। अकबर बादशाह जयमल फत्ता की वीरता से खुश हुआ, प्रभावित हुआ और आगरा का लाल किला आता है सर, उसके बाद अकबर ने जयमल फत्ता के हाथी ऊपर मूर्तियाँ बनवाई, जो वो बाद में वो मूर्तियाँ औरंगजेब ने तोड़वा दी थी। और राजस्थान के अंदर बीकानेर का फोर्ट आता है, उसके बाहर एक गेट आता है सूरजपोल गेट, वहाँ पर भी अकबर ने जयमल फत्ता की हाथी के ऊपर मूर्तियाँ बनवाई। आज भी घेराव करने के बाद में यहाँ का मतलब युद्ध से ना वेट करती थी अनाज खत्म होने का। जब अनाज खत्म होता था तब उसके बाद में युद्ध वगैरह होते थे। अच्छा अच्छा ओके। ये 7 वाला पोल है रामपुर सर के लिए का। ओके रामपुर आगे से राइट में लेना ऊपर की तरफ। जोर किया था महाराणा प्रताप की दादी माँ ने, राजमाता रानी कर्णावती ने। 1535 में जब गुजरात की बादशाह ने चित्तौड़ फोर्ट के अंदर चढ़ाई की तो रानी कर्णावती ने सर हिमायू था ना बाबर का लड़का हिमायू, उसको राखी पहुंचाया था सेना बुलाने के लिए चित्तौड़। लेकिन हिमायू चित्तौड़ पहुंचने में 2 दिन लेट हुआ, जितने बादशाह ने चित्तौड़ फोर्ट जीत लिया था और रानी कर्णावती ने इसी जगह पे 13,000 दासों के साथ जोर किया था। फिर उसी टाइम से मैडम हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ था हिमायू और कर्णावती के टाइम से। और तीसरा टिप किया था अकबर ने, निर्माण करवाया, जहाँ से 12 महीने 24 घंटे कंटिन्यू पानी आता है। गर्मी में सर ठंडा पानी आता है, ठंड में गर्म पानी आता है, पानी पीने के लिए पवित्र माना जाता है, नहाने के लिए कुंड को गंगा घाट मानते हैं। जब ऊपर राजा का डेड बॉडी जलाते थे, डेड बॉडी जलाने के बाद में उधर से उतर के स्नान करते थे रानी और घूमने स्नान। Thank you.
क्योंकि बाउंड्री को तो पेंट किया गया ना, वेजिटेबल कलर होते हैं ना, सब्जी भी कलर, तो सब्जी भी कलर से पेंट करते हैं। और इस होल में फिनिश लोगों की सभा होती है। तो रागु चटनी का पलाव की विधि को बताया ना, विधि बनता है। अगर उस टाइम पे रागु चटनी को मार देते तो इस तरीके का स्टोरी वगैरह नहीं होता। तो रागु चटनी अलाउद्दीन खिलजी को बताया।